हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इनका रियल नेम है उर्मिला मातोंडकर। बाय प्रोफेशन ये एक एक्ट्रेस, मॉडल एंड पॉलिटिशियन है। 4 फरवरी 1974 में इनका जन्म हुआ था। इनका रियल एज है 50 ईयर्स एज पर इन 2024। चलिए देख लेते हैं इनके एजुकेशन के बारे में। इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई डीजे रुपैरल कॉलेज मुंबई से की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बीए इन फिलोसफी किया हुआ है। उर्मिला का जन्म एक साधारण मराठी फैमिली में हुआ था। चलिए देख लेते हैं इनके करियर के बारे में। उर्मिला ने अपने करियर की स्टार्टिंग एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 1977 में डेब्यूट करके किया था विद द फिल्म कर्म। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने कई सारी फिल्म्स में काम किया, जैसे कि कलयुग, मासूम, भावना, सरसंगम, डकैत, बड़े घर की बेटी एक्सेट्रा। आपको बता दें इनको लीड रोल मिला था चाणक्य मूवी में, तो वहीं से इन्होंने अपना लीड रोल डेब्यूट किया था। तो वो एक मलयालम मूवी थी 1989 की। 1991 में इन्होंने अपना हिंदी मूवी डेब्यूट दिया था विद द फिल्म नरसिम्हा। हिंदी और मलयालम के अलावा ये तेलुगु और तमिल फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। इनकी पहली तमिल मूवी का नाम है अंथम और वो 1992 की मूवी थी। इन्होंने अपना तमिल मूवी डेब्यूट दिया था 1996 में विद द फिल्म इंडियन। इसके अलावा ये कई सारी मूवीज में काम कर चुकी हैं, जैसे कि चमत्कार, श्रीमन आशिक, कानून, आ गले लग जा, दाऊद, मेरे सपनों की रानी, अफलातून, छोटा चेतन, जानम समझा करो, हम तुम पे मरते हैं, मस्त दिल लगी, कुमारा, जंगल दीवाना, ओम जय जगदीश जैसी फिल्म्स में काम किया। और इन्होंने दीवान की, नैना, कर्ज, ईएमआई जैसी फिल्म्स में भी काम किया। कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगती हैं और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। आपको बता दें बहुत सारी मूवीज में इन्होंने कॉमिक रोल भी किया हुआ है और एज अ स्पेशल अपीयरेंस भी काम किया हुआ है। इन्होंने टेलीविजन में भी काम किया हुआ है, जैसे कि इन्होंने अपना पहला टीवी डेब्यूट दिया था 2007 में झलक दिखलाजा 2 के साथ में। चक धूम धूम, डांस महाराष्ट्र, डीआईडी सुपर मॉम्स में भी ये नजर आ चुकी है। इन्होंने एज अ होस्ट डेब्यूट किया था वार परिवार शो के साथ में। एक्ट्रेस होने के साथ ही ये एक पॉलिटिशियन भी है। 27 मार्च 2019 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई। हालांकि इन्होंने कुछ अपने रीजंस बताते हुए 10 दिसंबर 2019 को पार्टी को छोड़ दिया। उसके बाद 1 दिसंबर 2020 में उद्धव ठाकरे के प्रेजेंस में ये शिवसेना में शामिल हो गए। चलिए देख लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। इनके फादर का नेम है श्रीकांत मातोंडकर। इनकी मदर का नेम है सुनीता मातोंडकर। इनके दो सिस्टर्स भी हैं जिनका नाम है ममता मातोंडकर एंड पूजा मातोंडकर। इनके ब्रदर का नेम है केदार मातोंडकर। बात करें इनके मैरिटल स्टेटस की तो फिलहाल ये मैरिड हैं और इनके हस्बैंड का नेम है मोहसिन अख्तर मीर और इन्होंने 3 मार्च 2016 में शादी की थी। चलिए देख लेते हैं इनका कार कलेक्शन। इनके पास है मर्सिडीज बेंज। इनके पास है ह्यूंडई i20। चलिए देख लेते हैं इनकी इनकम एंड नेट वर्थ। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये 1 से 2 करोड़ रुपए पर मूवी चार्ज करती है। चलिए देख लेते हैं इनकी नेट वर्थ। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इनकी नेट वर्थ है $20 मिलियन जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 165 करोड़। तो ये था आज का वीडियो उर्मिला मातोंडकर के बारे में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डू हिट टू द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन बाय गाइज।